नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी ढाबा स्टाइल सरसों का साग, जिसके लिए मैंने आधा किलो पालक ले लिया है, ये पालक है, और आधा किलो सरसों के साग लिए हैं, और ये 250 ग्राम बथुआ और थोड़े से मेथी लिए हैं, और ये अदरक लहसुन मिर्च ये ले लिया है मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज कुकर में बना रही हूँ, कुकर में जल्दी बन जाता है, वैसे कढ़ाई में भी बना सकते लेकिन कढ़ाई में बहुत टाइम लगता है, तो मैं कुकर में ही बना रही हूँ जो झटपट बन जाएगा। पहले इस साग को डाल लेते हैं। अभी कोई तेल वगैरह मुझे कुछ नहीं डालना है, ये चारों मिक्स, ये मिक्स साग है, आप बना के देखिए बहुत टेस्टी बनता है। ये मैंने पालक डाल लिया सारे, ये आपको ऐसा लगेगा कुकर में बहुत ज़्यादा, बाद में ये गल के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। अब ये बथुआ और पालक मैंने डाल दिया, अब सरसों डालेंगे। अब हम इसमें मेथी जो लिए हैं वो डाल देंगे, ये मेथी है। सारे साग डाल दिए हैं, देखिए मेरा थोड़ा सा कम भी हो गया। अब इसमें जो अदरक लहसुन मिर्च का मैंने लिया था वो डाल देंगे, मैं आधा ही डाल दे रही हूँ, आधा जब इसका तड़का लगाऊंगी तब डालूंगी। अब इसको डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें ये मेरा एक गिलास के करीब पानी है, ये डाल देंगे। अब इसको डाल के अच्छी तरह हम मिला लेंगे। अब ये मैंने मिला लिया है, अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और एक सीटी आने तक फूल आंच करेंगे। फिर एक सीटी जब हो जाएगा तो इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल कम आंच कर देंगे और 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। देखिए ये मेरा साग बिल्कुल पक चुका है। आप अगर आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस सकते हैं, और नहीं तो इसको ये घोटनी से, दाल घोटने वाली जो आती है उससे भी इसको घोट सकते हैं अच्छी तरह। मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ही पीसूंगी। देखिए मैं हैंड ब्लेंडर से करी, आप चाहे तो इसको मिक्सी में पीस सकते हैं, और नीचे से गैस ऑन है, मैं घोटती भी जाऊंगी और ये मेरा ये पानी जो है इसका सूखते जाएगा और ये पकते भी जाएगा अच्छी तरह। ये देखिए मैंने अच्छी तरह घोट लिया है, लेकिन अभी ये पतला है, मैं है ना मक्के का आटा ले लूँगी इसको गाढ़ा करने के लिए। ये मक्के का आटा लेके इसको पानी डाल के मैंने थोड़ा पतला कर लिया, और इसको डाल लेंगे ताकि हमारा साग बिल्कुल थोड़ा ठीक हो जाए और गाढ़ा हो जाए, अभी बहुत पतला है। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह, इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जब चिपके नहीं और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए मैंने ब्लेंडर से कितने अच्छी तरह ये पीस लिया है इसको, ये ढक ढक के पकाए, नहीं तो ये बहुत उठता है और मुंह पे जलने का डर रहेगा। इसको थोड़ी देर ढक देती हूँ, हो चुका है। अब इसका हम तड़का तैयार करने के लिए मैंने पैन ले लिया है, अब इसमें हम घी डालेंगे। आप चाहे तो सर तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी में साग तड़का लगाने से बहुत टेस्टी लगता है, आप एक बार बना के देखिए। घी मेरा पिघल चुका है, अब इसके तड़के के लिए पहले हम लाल मिर्च डालेंगे, इसको थोड़ा भून जाइए अच्छी तरह। मिर्च मेरा तड़क चुका है, अब अदरक लहसुन मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, ये मैंने थोड़े से बचा लिए थे तड़के के लिए। अब इसको मैं प्याज ली हूँ एक बड़ा साइज का, ये भी डाल दूँगी। ये प्याज मेरा देखिए अब हल्का भून चुका है, ब्राउन भी हो गया है। अब इसमें एक टमाटर लेके मैंने इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अब इसको भी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज लहसुन ना डालें, सिर्फ अदरक मिर्च, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप ना डालें, अदरक मिर्च से भी ये बन जाएगा। जिसमें हम मसाले डालेंगे, ये धनिया जीरा सारे मसाले मेरे मिक्स हैं, इसको डाल लेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मैं उसमें नमक नहीं डाली हूँ साग में, मैं इसमें तड़के में ही नमक डाली हूँ। अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरह, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाला ना जले मेरा, और ये अच्छी तरह भून जाए। इसको ढक के पका लेंगे अच्छी तरह। देखिए अब ये मेरा तड़का हो चुका है, अब गैस बंद कर देते हैं। अब इसको हम साग में मिला लेंगे, अब ये तड़का जो मैंने लगाया था अब इसको डाल देंगे साग में। अब मैंने तड़का डाल लिया, अब इसको मिला लेंगे, अब मिला के गैस बंद कर देंगे। अब गैस मैंने ऑन कर दिया था, अब गैस बंद कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद इसको बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मेरा ये ढाबा स्टाइल सरसों का साग तैयार है,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।